दोस्तों एक नेपाली लड़का जिसने खोज निकाले 50 से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में, और इसीलिए इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है इनके काम के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनके काम को देखकर दुनिया के मुंह से निकला OMG, और इसीलिए जगह बनाते हैं हमारी OMG नेपाल की सीरीज में, जिसमें हम जानेंगे इन्होंने नेपाल में ये यूनिक काम कैसे किया जो कि दुनिया में हर किसी को प्रेरित करता है। वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से 87% लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नहीं किया है ना, देखो नीचे, सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करो पहले चैनल को, और उसके बाद बेल का आइकन भी दबाओ ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों ये है नेपाल के एलन बराल, जो कि अभी स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स के। इनकी उम्र में लोग ठीक से बेल्ट भी नहीं बांध पाते, लेकिन इन्होंने एस्ट्रॉइड बेल्ट में दो दो एस्ट्रॉइड खोज निकाले हैं, साथ ही 48 और एस्ट्रॉइड ढूंढ निकाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और यह है नेपाल के एक एस्ट्रॉइड हंटर, और इनके इसी काम के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च कोलैबोरेशन ने इन्हें सम्मानित किया है, और साथ ही एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी इनको दिया गया है। दोस्तों एलन बराल ने अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन किया इंटरनेशनली, तो इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर बनता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्राउड ऑफ यू एलन, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों नेपाली यंग बॉय एलन ने कुल मिलाकर 50 एस्ट्रॉइड को ढूंढ निकाला है, जिसमें से दो एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड की मेन बेल्ट में है, साथ ही साथ 48 एस्ट्रॉइड यहाँ वहां पर है, और ये काम कतई आसान नहीं है, ये काफी कठिन काम है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाली एलन ने जो काम किया है वो क्या है, साथ ही साथ इसको कैसे किया जाता है, साथ ही ऐसे और सवालों को भी क्लियर करेंगे कि एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, नेपाल के एलन जो काम कर रहे हैं ये क्यों ही किया जाता है, और नेपाल की स्पेस में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, साथ ही बहुत कुछ नया जानने को भी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एस्ट्रॉइड क्या है, जो कि नेपाली यंग बॉय एलन ने भी 50 एस्ट्रॉइड ढूंढ के निकाले हैं। दोस्तों ये जो एस्ट्रॉइड है इसे शूद्र ग्रह भी कहा जाता है, और ये छोटी सी चट्टान या फिर पत्थर जैसा होता है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, और ये हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में हमारे सूरज का चक्कर काटता है, जैसे हमारे सभी ग्रह यानी कि प्लैनेट काटते हैं। लेकिन ये एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, और इनका जो साइज होता है वो 10 मीटर से लगा के 1000 किलोमीटर तक हो सकता है डायमीटर में। और दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम यानी कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, और सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट में, और एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स से लेकर जुपिटर यानी कि मंगल से लेकर बृहस्पति ग्रह के बीच के इलाके को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, और यहां पर सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड होने की वजह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह और इसकी ग्रेविटी यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण। और नेपाली एलन बराल ने भी दो एस्ट्रॉइड ढूंढ निकाले हैं जो कि इसी बेल्ट में है, बाकी 48 एस्ट्रॉइड कहीं और हैं हमारे सोलर सिस्टम में। दोस्तों आज के समय तक हमने जितने एस्ट्रॉइड को ढूंढ निकाला है वो है 1,113,527, और इनका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे नए एस्ट्रॉइड्स को ढूंढा जा रहा है। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये जो एस्ट्रॉइड ढूंढे गए इतने, ये सभी क्या सेम है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सभी एस्ट्रॉइड सूरज से अलग अलग जगह पर है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, साथ ही इनका साइज भी अलग होता है, कुछ गोल हैं तो कुछ इरेगुलर शेप के हैं या फिर कुछ अलग ही शेप के हैं। और आज तक का जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड देखा गया है उसका डायमीटर है 939 किलोमीटर का, और इसका नाम है सेरस। तो ये एस्ट्रॉइड अभी तक की मोस्टली तीन तरीके के देखे गए हैं अपनी बनावट के हिसाब से, जो कि है सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। तो सी टाइप के एस्ट्रॉइड जिसे कॉन्ड्राइट एस्ट्रॉइड कहा जाता है, और ये बहुत कॉमन होते हैं, ये मोस्टली क्ले यानी कि मिट्टी और सिलिकेट से बने होते हैं। दोस्तों एस टाइप के एस्ट्रॉइड को कहा जाता है स्टोनी एस्ट्रॉइड, और ये बने होते हैं सिलिकेट से साथ ही साथ निकल आयरन से, और एम टाइप के एस्ट्रॉइड होते हैं मेटल के जिसमें आयरन और निकल मोस्टली होते हैं, और ये ज्यादातर सूरज के करीब देखे जाते हैं क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से इनका सिर्फ मेटल ही बचता है और बाकी चीजें जल के राख हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स आए कहां से। दोस्तों ये एस्ट्रॉइड 4.6 बिलियन साल पुराने हैं जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, जो कि गैस और डस्ट के कोलैप्स होने से बना था, और इसी में ये एस्ट्रॉइड्स भी बने थे। आपको लगता है कि आप धरती पर सेफ हो तो आप गलत हो, क्योंकि 15 फरवरी 2013 को रशिया के साइबेरिया में एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरा, जिसका वीडियो भी आप लोगों के सामने। Yeah,
और ये इतना डेंजरस था, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से 10 गुना ज्यादा तेज था और इसने अपने एरिया में घरों के ग्लास टूट गए और पास में रहने वाले लोगों को बहुत जोर से आवाज आई। दोस्तों अभी इन एस्ट्रॉइड्स को देखते हैं नासा साथ ही साथ कई और स्पेस एजेंसी और कई सारे कॉमन लोग, और इसको देखने के लिए कई स्पेशल कम्युनिटी भी है और नेपाल में भी इसको देखने के लिए नेपाल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है। तो नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी हमेशा एस्ट्रॉइड्स को और धरती के पास के एस्ट्रॉइड्स को सबसे ज्यादा देखती रहती है और 24 घंटे देखती रहती है। ये धरती से 28 माइल्स तक कॉमेट्स और कई और चीजों की मॉनिटरिंग करती रहती है, क्योंकि नासा की भी एक लिमिटेशन है और वो हर जगह हर समय तक नहीं देख सकती, और इसी में नेपाली एलन जैसे लोग और तमाम साइंटिस्ट भी हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च कोलैबोरेशन और ऐसी ही दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हैं जो कि नासा से कनेक्टेड है और मिलकर ये काम करती हैं, और ये काम किया जाता है कहीं ना कहीं धरती की रक्षा करने के लिए। तो एलन जैसे नेपाली लोग कहीं ना कहीं आपकी तो रक्षा कर रहे हैं, पूरी धरती की भी रक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे स्पेस के ज्ञान को भी बढ़ाने के लिए। और साथ ही 2022 में नासा जैसी स्पेस एजेंसी काम कर रही कि धरती की तरफ कोई आते हुए एस्ट्रॉइड से हम धरती को बचा सके, ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है, क्योंकि धरती का द एंड हो सकता है अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आता है। तो अभी हालिया 6 फरवरी को ही एक खबर आई है कि एक एस्ट्रॉइड जो कि बहुत बड़ा है, 1.3 किलोमीटर का है, ये धरती की तरफ 26,800 माइल्स पर आवर की स्पीड में आ रहा है, और ये एक डेंजरस एस्ट्रॉइड है क्योंकि 1.3 किलोमीटर बड़ा है, जो धरती से टकराया तो खत्म ही समझो सब। इसका नाम है 138971, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि ये धरती से 4.5 मिलियन किलोमीटर दूर से निकल जाएगा, जो ये करीबन चांद से 13 गुना ज्यादा दूर से निकलेगा, और ये एस्ट्रॉइड अभी दूर है और ये आ रहा है और ये सबसे पास आएगा धरती के 4 मार्च को। अब जानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स को कैसे पता लगाया जाता है और नेपाली एलन जैसे लोग कैसे एस्ट्रॉइड्स को ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं, इसको करने के लिए लगती है काफी ज्यादा मेहनत, कुछ स्पेशल टूल्स जैसे कि एक टेलीस्कोप जिसमें कैमरा हो, जितना अच्छा टेलीस्कोप और जितना अच्छा कैमरा उतनी ज्यादा डिटेल। तो दोस्तों इस टेलीस्कोप और कैमरे को रात के समय पर रखा जाता है और एक पर्टिकुलर जगह की तस्वीर निकाली जाती है, फिर कुछ समय बाद इसकी और तस्वीरें ली जाती है, और ये बहुत प्रिसाइज काम है। आपका टेलीस्कोप और कैमरा इसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर जगह की ही तस्वीर लेंगे और हर बार वो सेम जगह होनी चाहिए। फिर उन सभी तस्वीरों को एक साथ रख के कंपेयर किया जाता है और एक डिफरेंस ढूंढने की कोशिश की जाती है, यानी कि क्या चेंजेस आए हैं, और ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रॉइड होगा तो वो हमेशा मूव कर रहा होगा किसी पाथ पर, और अगर हम डिफरेंट समय पर तस्वीरें खींचेंगे तो हमको वो मूवमेंट दिख जाएगा। तो अगर जो एस्ट्रॉइड होगा वो एक समय पर एक जगह पर होगा और दूसरी फोटो में वो दूसरी जगह पर हल्का शिफ्ट कर गया होगा, और इसी चीज़ को ढूंढते हैं ये एस्ट्रॉइड हंटर, यानी कि सेम जगह की तस्वीर ली और उसमें चेंजेस ढूंढते हैं। इन तस्वीरों में डिफरेंस को देखने के लिए सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ मैनुअल भी आप खोज निकाल सकते हैं, और ये काम कुछ कठिन होता है, कुछ ऐसा होता है जैसे कि ये तस्वीर आपके सामने, इसमें गिनकर बताइए कि कितने घोड़े यानी कि कितने हॉर्सेस हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा कि कितने घोड़े हैं सच में। देखते हैं इसको कौन सही सही पहचान पाएगा। तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और आपको कैसे लगे नेपाल के एलन बराल और उनका काम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद NI News।